कलीदे उर्दू का सबका पच्चा नंबर 11 आपके साथ शेयर कर रही थी। मुझे बीच में काम बता दिया गया तो मैं बिज़ी हो गई। पेज नंबर 531 वाला हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा हुआ था मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 37 तक। 38 क्वेश्चन नंबर को आज हम देखते हैं। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन है? सज्जाद ज़हीर। और तरक्की पसंद तहरीक की डिटेल, इसका तारुफ, इसके मकासिद और अहम शोरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 39, शायर कश्मीर के लकब से कौन मुलक्कब हैं? मोहम्मद दीन फौक। और उन्हें ये लकब दिया था अल्लामा इकबाल ने, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल के हम असल थे। इन्होंने कश्मीर की तारीख भी लिखी थी और ये अल्लामा इकबाल के क्लास फेलो भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसी कायल का कौल मिन्नो अन उसके अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूज़ औकाफ की कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? वावैन। ये डिटेल से मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ये भी पढ़ा हुआ है आपने। सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने किस अदबी और सियासी शख्सियत के खतूत को चार जख़ीम जिल्दों में यानी चार भारी जिल्दों में मुदव्विन किया था? ये हैं अल्लामा इकबाल, इनके खतूत को सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने चार जख़ीम जिल्दों में तदवीन किया था। क्वेश्चन नंबर 42, महर नीम रोज़ इकबाल की तसनीफ है और इसका मौजू है ख़ानदान मुगलिया की ना तमाम तारीख यानी ना मुकम्मल। मुग़ल ख़ानदान से लेकर अमीर तैमूर तक के हालात व वाक़ियात और तारीख मिलती है इस तसनीफ में। और ये बहादुर शाह जफ़र की फरमाइश पर गालिब ने लिखी थी और इसका तमाम डाटा गालिब को ढूँढ कर दिया था बहादुर शाह जफ़र के मशीर ख़ास ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, शहर आशोब, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। कौन सी सिनफ नज़म होती है जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी, परेशानी, गर्दिश ज़मानी और अबतरी हालत का जिक्र हो? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे ले लो नहार, ये गालिब का शेर है और इसको मैंने समझाया भी था। इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल दो बार है, एक रात और दिन और दूसरा ले लो नहार। ले लो नहार यानी दिन और रात अरबी में कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ये भी पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था आप लोगों को और इसकी तशरीह भी समझाई थी। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बोजरो दल के अवैसो चादरे जहरा, ये इकबाल का शेर है जिसमें अल्लामा इकबाल शेख हरम की मजम्मत करते हुए कहते हैं, उसकी हजव करते हुए कहते हैं, हजव मीन किसी की बुराई करना, क्योंकि अल्लामा इकबाल पीरी और गद्दी नशीनी की मजम्मत करते थे, मुखालफत करते थे। वो कहते थे कि ये जो सूफिया मुल्ला पीर हैं ये इस्लाम को महदूद करके हमें सिर्फ रस्मी इबादत और अल्लाह अल्लाह करने तक महदूद कर देते हैं, जबकि कुरान मजीद में तस्खीर कायनात का हुक्म है और इंसान को आगे बढ़ने का, दुनिया को समझने का कहा गया है। हमें बस ये जो हमारे मुल्ला साहब हैं ये कहते हैं कि दुनिया तर्क करो और एक कोने में बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करो, यही दीन है। इसलिए ये अल्लामा इकबाल इनकी मुखालफत करते थे। इकबाल कहते हैं कि यही शेख हरम है, ये तलमीह का शेर है। इसमें हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की गली में बोज़र गलीम मनी वो चुगा वो लिबास खिरका, गले में जो डालते थे पाँव की एड़ियों तक की एक शर्ट होती है जिसे सूफिया और औलिया कराम पहनते थे, उसे कहते हैं खरका। वो चोरी हुआ था जब दिल के अवैस की दिल्क यानी दिल्क होती है एक बड़ी चादर जिसे बिछाया जाता है सोने के लिए, या एक कारपेट नुमा बड़ी सी चादर या एक कारपेट कालीन, और जहरा की चादर जब चोरी हो गई थी, वो वाकियात हैं। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इस शेर में मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल चार बार हुआ है। मुरक्कब इजाफी को मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से समझाया था, आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46, पामाल रास्तों को तर्क करके, ये भी पढ़ा हुआ है, एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमक होने के अमल को अदब की इस्तलाह में रोमानवियत कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिनफ़े नज़्म को सबसे ज़्यादा बरता? मसनवी को। ये सारे आपको आते होंगे, इनमें से चंद एक नए हैं जो मैंने समझा दिए।
क्वेश्चन नंबर 48 हासिले रुबाई यानी हासिले गुफ्तगू कौन सा मिसरा होता है, रुबाई का आखिरी मिसरा यानी चौथा मिसरा, क्योंकि पहले तीन मिसरों में जो कुछ बयान किया जाता है उसका निचोड़ लिखना होता है आखिरी जो मिसरे में, इसलिए रुबाई को मुश्किल तरीन सिनफ़े सुखन भी कहा जाता है और हासिले रुबाई गुफ्तगू का हासिल चौथा मिसरा होता है। ये भी ऑलरेडी पढ़ा था और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था आपने, सारे पढ़े हुए हैं। 49 पे है, मेरी कदर कर ए ज़मीने सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया, सबक हो चली थी तराजुए शेर, मगर हमने पल्ला गरां कर दिया। बताइए इन अशार का ताल्लुक किस सिनफ़े शायरी से है। पहले तो ये मीर अनीस के अशार हैं और ये किता हैं। किता क्यों हैं, क्योंकि किता में मतला नहीं होता, यानी पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया नहीं होता और यहाँ पहला और दूसरा हम काफिया नहीं है। किता का हर दूसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है, यानी जुफ्त वाला हर दूसरा मिसरा, हर शेर का दूसरा मिसरा, और यहाँ भी सेम ऐसे है। और किता में मुसलसल एक ही ख्याल को बयान किया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली पढ़े हुए हैं, चंद एक चार पांच नए थे जो मैंने समझा दिए। अब शाम के टेस्ट में जिसके अच्छे मार्क्स ना हुए ना उसकी खैर नहीं होगी। टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।